राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राज जी का ढाबा में। दोस्तों आज हम आए हैं पपीता के पेड़ के पास और आज हम यहाँ से पपीता लेके जाएंगे और बनाएंगे टूटी फ्रूटी। बहुत सा केक बनाने में यूजफुल है और ये आसान तरीके से बन जाता है, बाजार में बहुत महंगा मिलता है, तो आप घर पे बना के और बहुत सारे रेसिपी में इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं पपीता और फिर बनाएंगे टूटी फ्रूटी। तो देखिए ऊपर सारा बहुत फूल पकड़ा हुआ है और नीचे पपीता है। ये सबसे मतलब पहले का पपीता ये है, इसके बाद का ये है, इसके बाद का ये है, ऐसे ही फलता जाएगा ये और इसका पेड़ बढ़ता जाता है। इसी तरह का होता है पपीता का पेड़, कोई छोटा फलता है कोई बड़ा फलता है, फर्क इतना होता है। आप किसी का भी टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। टूटी फ्रूटी के लिए हम पपीता ले लिए हैं और इसको छील देते हैं, छील देंगे और काट भी देंगे। ये देखिए कितना बीज हुआ पड़ा है। तो ये देखिए इसमें बीज काला काला आ गया है, इसका मतलब कि पपीता बढ़िया से बढ़ गया है। अभी पकने के स्टेज पे आया है लेकिन पका नहीं है, तो इसका टूटी फ्रूटी बढ़िया बनता है। इसको छीलना से नहीं छीलना है, नहीं तो अगर जहाँ भी इसका ग्रीन पार्ट छूट जाता है ना तो वहाँ पे कड़वा लगता है, तो इस वजह से हम इसको छील नहीं रहे हैं। ये डंठल को काट देंगे और पतला पतला स्टिप बनाएंगे तो इसको छीलने में आसानी रहेगा। एक पीस आपको छील कर हम दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा सा गुद्दा समेत काटना है, हरा हरा नीचे नहीं रहना चाहिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। अगर हरा कहीं छूट जाता है तो उसको दोबारा चाकू लगाएंगे वहाँ पे, थोड़ा सा पकड़ के ही छीलेंगे, बेशक गुद्दा थोड़ा निकल जाए लेकिन कड़वापन नहीं होना चाहिए। देखिए यह हल्का सा हरा है, उसको भी निकाल देंगे हम। इस तरह से इधर भी छीलेंगे और दूसरे तरफ से भी हम छीलेंगे इस तरह से। इधर से थोड़ा कम ज़्यादा छील सकते हैं क्योंकि इधर का पार्ट कड़वा नहीं होता है। इस तरह से छील देने के बाद हम इसमें पतला पतला स्टिप बनाएंगे काटने के लिए। ये देखिए, तो देखिए हम पीछे से भी छील लिए हैं और आगे से भी, इधर ना हरा है ना इधर सफ़ेद है। अगर हल्का फुल्का है तो ये आगे वाला हिस्सा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम काटेंगे तो इसका बीच से हिस्सा हम काटेंगे इस तरह से और फिर इसमें हम एक कट लगाएंगे यहाँ पे बीच में। आप फट्ठे पर रख कर तसल्ली से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। अब देखिए इसको हम काट रहे हैं, तो इसको हम हाथ से भी काट के दिखा रहे हैं आपको, चॉपिंग बोर्ड पर भी काट के दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम काटेंगे, आपको जिस तरह से सहूलियत लगे काटने में उस तरह से काटिएगा। इस तरह काटेंगे तो एकदम बढ़िया से चौरस चौरस पीस आपका बनेगा। ये देखिए, और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा काटेंगे तो वही होगा, थोड़ा सा इधर उधर पीस कटेगा लेकिन उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह हम सारा पपीता काट देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जितना हमने पपीता लिया था वो सारे को हम काट दिए हैं, अब इसको हम धो लेंगे। इसमें थोड़ा लिसा सा होता है तो इस वजह से इसको धोना जरूरी है, बाकी तो हमें उबालना है ही है। तो पपीता सारा धो लिए हैं, अब चूल्हा जला देते हैं और इस पे रखेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे पपीता के डूबने लायक पानी, इसमें बढ़िया से डूब जाए। तो इसको पहले हम गरम करेंगे, पानी हमारा बढ़िया से गरम हो गया है तो इसी में हम कटा हुआ पपीता डाल देंगे। तो हमें पानी इतना डालना है कि पपीता बढ़िया से डूब जाए, कटा हुआ पपीता मीडियम आंच पे 8-10 मिनट पकाना है। बढ़िया सा नहीं पका देना है कि घुल जाए, नहीं, थोड़ा सा हल्का सा टाइट रहे तब तक पकाएंगे हम। वैसे बनाने को तो तरबूज का जो बीज लास्ट वाला छिलका होता है व्हाइट पार्ट, उसका भी बनता है लेकिन वो कम हेल्दी होता है। और इसका फायदा ये है कि बच्चे रंग बिरंगा देख के कभी भी इसको मांग लेते हैं और खाते हैं, तो कुछ हेल्दी खाएं तो कुछ हेल्दी खाएं, तो इस वजह से पपीता का बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी बनेगा। इसको हम उबाल देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए 4-5 मिनट हो गया है कटा हुआ पपीता को पकते हुए, अभी हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, 10-12 मिनट जब हम इसको उबालेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तब आपको, जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे आँच पर पकते पकते अब आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसको दबा के देख लेंगे, थोड़ा सा दबना चाहिए, देखिए इतना ही बस, थोड़ा सा रहे, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसको, इसका पानी हम सारा निकाल देंगे, यानी कि इस तरह से छान छान के हम रखते जाएंगे। देखिए उसी कढ़ाई में हम पानी डाल देते हैं और जितना चीनी होगा उतना ही पानी डालेंगे। अब इसमें चीनी भी डाल देते हैं, ये आधा लीटर पानी है, आधा लीटर और आधा किलो चीनी है, और इसे बढ़िया से हम घुला देंगे।
तो देखिए चीनी हमारा घुल गया है, तो इसी में हम पपीता को डाल देंगे उबला हुआ, और इसे बढ़िया से हम पकाएंगे। जब तक पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर चीनी की कोटिंग नहीं हो जाए, यानी कि हमें कम से कम 10 मिनट पकाना है इसको। पपीता को पिघला हुआ चीनी में हम डालने के बाद इसको 10 मिनट पकाएंगे। इससे ये होगा कि जो पपीता है उसमें चाशनी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको 10 मिनट पकाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमें 20 मिनट पकाते हो गया है, अब इसको हम निकाल देंगे। चाशनी चिपचिपी हो गई है, चिपचिपी से भी गाढ़ी है, तो कटोरी में हम निकाल देंगे। ये देखिए हम 4 कटोरी में निकाल लिए हैं, और इसमें कलर आपको जो बनाना हो कलर दे दें। हरा कलर हमने दिया है, और ये पीला कलर दिया है, और ये रेड ऑरेंज है, ये सारा फूड कलर है। तो आपको जो कलर बनाना हो कलर दे सकते हैं फूड कलर। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें पीला कलर डाल रहे हैं, और इसी तरह सब में कलर हम मिला देंगे। और एक को हम नेचुरल कलर ही रखेंगे। ये क्या हो गया? तो सब में हम कलर मिला लिए हैं, और इसको 10 मिनट तक इसमें रखेंगे। अगर नहीं तो आप बारी बारी से थोड़ा सा 2-2 मिनट करके आप कढ़ाई में भी चाशनी में भी कलर डाल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा दूसरा कढ़ाई दे दें और उसमें जितना पार्ट में करना उतना पार्ट कर दें, थोड़ा सा कलर मिलाएं और फिर उसको बढ़िया से पका के निकाल लें। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम इसको बाहर निकाल के गर्म चाशनी में ही जितना हमें फूड कलर डालना है, एक एक पिंच 2-2 पिंच डाल के इसको 10 मिनट तक एब्जॉर्ब रखेंगे। जब बढ़िया से ये कलर उसमें अटैच हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा, तब हम आपको दूसरा कटोरी में निकाल के दिखाते हैं। तो 10 मिनट हो गया है चाशनी में रखे हुए, अब इसे हम सारे को चाशनी से निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम एक छन्नी लेंगे, और छन्नी में चाशनी को निकाल देंगे पहले ही, और इस पर सुखाएंगे हम, और इसको फैला के हम इस तरह से सुखाएंगे। तो बढ़िया से हम एकदम चाशनी निकाल लेंगे इसमें से, और तब प्लेट में रखेंगे। तो सारा त्रुटी फ्रूटी को हम निकाल दिए हैं, अब इसे पंखे के नीचे 3-4 घंटे रखेंगे, या पूरा रात भी रखें आप। ये जब बढ़िया से अलग अलग सूख जाएगा तब इसे हम यूज करना शुरू कर देंगे, फिर बच्चे खाएं या आप केक बनाएं। तो इसको आप पंखे के नीचे 4 घंटा या रात भर भी रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में चम्मच से चलाते रहें ताकि ये चिपके नहीं, और उसके बाद आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख के और इसको यूज कर सकते हैं। ये वैसे महीनों चल जाता है, और बनाना आपने देखा बिल्कुल ही आसान है। अगर हमारा त्रुटी फ्रूटी का रेसिपी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और हमें कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।